हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यानी कि ASRMI ने वैकेंसी निकाला है AO यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड FNAO यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, जिसके लिए 65 पोस्ट है और जिसका लास्ट डेट है 23 अगस्त 2021। तो फुल डिटेल वीडियो है, हिंदी में है, तो लास्ट देखिएगा बिना स्किप किए। तो बिना आपका समय गवाए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर यानी कि FNAO के 65 पद पे वैकेंसी निकाला है, जिसमें से AO के लिए है 44 एंड ANFO के लिए है 21 पोस्ट। और जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से, वो है 23 जुलाई 2021। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 23 अगस्त 2021, यानी कि एक महीने का समय है 23 जुलाई से लेके 23 अगस्त के बीच में आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मेथड से। और एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि जिस समय पे रिलीज किया गया है इसका वैकेंसी उसी समय पे एग्ज़ाम डेट ही बता दिया गया है, जो है 10 अक्टूबर 2021, यानी कि 23 अगस्त तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद आपको 10 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप जानना चाहते हैं एडमिट कार्ड कब निकलेगा, ये सब के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेटेड रहिए इस जॉब के बारे में। तो आगे बात करते हैं हम लोग एडुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर बोले तो शैक्षणिक योग्यता, वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 55% मार्क विथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपको किसी भी माध्यम से, किसी भी स्ट्रीम से यानी किसी भी विषय से 55% मार्क के साथ। और जिसके लिए एज लिमिट है बोले तो आयु सीमा वो है आपको मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, यानी कि 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपका आयु सीमा है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोले हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ कि अगर आप बस AO के लिए या फिर बस ANFO के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जनरल एंड OBC और EWS के लिए 500 रुपया और SC ST और PH के लिए है 20 रुपीज़। फिर से बता देता हूँ, कहने का मतलब ये है अगर कोई कैंडिडेट बस AO के लिए फॉर्म भर रहा है तो उसको, और अगर वो जनरल से है OBC से है और EWS से है तो उसे 500 रुपया लगेगा, और जो SC ST है और जो PH है उन्हें 20 रुपये यानी कि 20 रुपये लगेगा। और अगर कोई कैंडिडेट ANFO के लिए फॉर्म भरा है तो उनके लिए यही सिंपल है कि उन जनरल से हैं OBC से हैं EWS के लिए तो 500 रुपया और SC ST PH के लिए 20 रुपीज़। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो दोनों फॉर्म फिल कर सकता है, कहने का मतलब वो AO साथ में ANFO दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। और जिसका एप्लीकेशन फ़ी होगा जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपीज़ और SC ST PH के लिए 40 रुपया। तो सिंपल सा बात ये हुआ कि अगर आप सेपरेट यानी कि AO के लिए सिर्फ या फिर ANFO के लिए सिर्फ यानी कि सिंगल फॉर्म फिल करना चाहते हैं सिर्फ एक में, तो आपको 500 रुपया लगेगा जनरल OBC EWS के लिए और SC ST के लिए 20 रुपया और PH के लिए। अगर कोई कैंडिडेट दोनों में यानी कि बोथ AO एंड ANFO के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उन्हें 1000 रुपये लगेगा अगर जनरल OBC और EWS हैं तो, और अगर वो SC ST या PH है तो 40 रुपये लगेगा। सिंपल बात है, आप लोग यहाँ पढ़ लिए। तो अब हमें अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यह लिंक यहाँ दिख रहा है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में यानी कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ डाल दूंगा, जहाँ से आप जाके इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया गया है, किसी का लिंक दिया गया है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जहाँ पर आप जाइए और क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लीजिए। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ऑथराइज्ड है, उन्हीं द्वारा निकाला गया है, जिसे डाउनलोड करके आप उसे पूरा पढ़ लीजिए, जिसमें कि आपको सारा एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम डेट जितना भी डिटेल्ड है, फिर फॉर्म फिल करते वक्त हमें किस किस बात का ध्यान रखना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम लोग और क्या क्या हमारे पास हो सकता है तो हमें और बेनिफिट मिलेगा, रिजर्वेशन किस किस को है यानी कि एज लिमिट में किस किस को छूट दिया जाएगा, वो सारा डिटेल्ड उसमें है। तो
आप पहले वीडियो देख लिए हैं उसका उसे जाके पढ़ लीजिए तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कीजिएगा। और पेमेंट का मेथड से भी बता दिया कि उसमें कि कौन कौन सा पेमेंट मेथड हम हमारे लिए लागू है, हम क्या क्या पेमेंट मेथड चुन सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी को देने के लिए। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, नए मेहमान हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डेली ऐसे ही जॉब से रिलेटेड अपडेट यानी कि जॉब का वैकेंसी, एग्ज़ाम अपडेट, एडमिट कार्ड, जितना भी है रिजल्ट अपडेट जितना भी है वो मुझे आपको डालता हूँ वीडियो, जिससे कि आपको हर एक नौकरी यानी कि हर एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा जानकारी मिलता रहे। साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ। और एक कष्ट किया कि जब आप बेल आइकन क्लिक कीजिएगा तो उसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, नहीं तो ऐसा हुआ कि किसी का मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा। तो अगर किसी का ना मिले इसीलिए मतलब सारे का मिले इसलिए आप इसको बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ऑल पे। वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल हो, कुछ जाना हो, कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। अगर बुरा लगा हो तो उसे भी बताइए कि क्या बुरा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सुझाव हो कि हम वीडियो में क्या ऐड कर सकते हैं, हमें फीडबैक देना चाहते हैं कि हम इस वीडियो ये ऐड कर सकते हैं, अगर हम ये ऐड करते इसमें हम लोग हम और कुछ पॉइंट जोड़ सकते थे तो वो आप सबके लिए बेनिफिशियल होता तो वो बताएं हमें, हम ज़रूर कोशिश करेंगे जोड़ने का। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा जिससे कि उन्हें भी डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट करें पता चले और साथ में अभी जो ASRB का निकला है उसके बारे में पता चले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। और लास्ट में किस गुजारिश है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा अगर 18+ हैं तो। साथ में जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन लीजिए, इसमें कोई कष्ट नहीं है। और 2 गज की दूरी का पालन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।